तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर के। जैसा कि फ्रेंड आप सभी लोग को पता है कि ईबीसी बीसी एससी एसटी के लिए जो कि स्कॉलरशिप का डेट फ्रेंड फिर से जो है कि एक्टिव कर दिया गया था, जिसमें फ्रेंड जो है कि एससी एसटी का काफी दिन से ऑनलाइन शुरू हो चुका था, बट फ्रेंड यहाँ पे बीसी ईबीसी वालों का लिंक एक्टिव नहीं किया गया था। तो फाइनली फ्रेंड जो है कि लिंक एक्टिव कर दिया गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे जो है कि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीसी ईबीसी छात्रवृत्ति योजना 2022-23 और 23-24 के लिए जो है कि आवेदन के लिए यहाँ पे क्लिक करें फ्रेंड। तो देख सकते हैं फ्रेंड फाइनली जो है कि लिंक एक्टिव कर दिया गया था। ईबीसी बीसी कैंडिडेट जितने भी फ्रेंड अब इजीली आप सभी कोई फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जिन्होंने फ्रेंड अभी तक फाइनलाइज नहीं किया यूजर आईडी पासवर्ड मिलने के बाद जो 22-23 वाले सेशन के स्टूडेंट है, तो वो सब अभी लॉग इन करके सारा चीज को आप क्लियर कर सकते हैं। और बाकी फ्रेंड जो 23-24 वाले सेशन है कैंडिडेट जितने भी है सभी न्यू अप्लाई कर सकते हैं और वापस से जो है कि आप लोग जो है स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। और एससी एसटी कैंडिडेट को भी यहाँ पे नीचे में देखने के लिए मिल जाता है फ्रेंड, और मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है कि कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है फाइनल प्रिंट तक। तो एस सी एस टी और बीसी ईबीसी के फ्रेंड फॉर्म फिलअप करने का सिस्टम सेम है, बस सिर्फ आपको कैटेगरी अलग अलग देखने के लिए मिलता है। अलग अलग कैटेगरी पे लिंक है, आपको क्लिक करके जाना होता है। एस सी एस टी वाले यहाँ क्लिक करेंगे और ईबीसी बीसी वाले यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। तो आपका आवेदन फ्रेंड प्रक्रिया दोनों का सेम ही है। चलिए फ्रेंड बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिल करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। एस सी एस टी वाले कैंडिडेट आप जाके वीडियो देख सकते हैं, या ओबीसी बीसी वाले भी कैंडिडेट हैं बीसी ईबीसी वाले, तो वो भी फ्रेंड वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम ही प्रोसेस है 90% फ्रेंड। चलिए फ्रेंड न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रेंड बात करते हैं। सिंपली फ्रेंड आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, pmsonline.bih.nic.in, जो ऑफिशियली देख सकते हैं गवर्नमेंट का वेबसाइट है फ्रेंड। इसमें फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद फ्रेंड आपके सामने नया विंडो खुल के फिर से आ जाएगा। इस तरह से फ्रेंड देख सकते हैं आपको यहाँ पे वेबसाइट देखने के लिए मिलता है। फिर नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, सिंपली फ्रेंड आपको यहाँ पे जो एबीसी बीसी वाले सेशन जो देखने के लिए मिलता है 23, इस पे क्लिक कर देना है फ्रेंड। ओके कर देंगे आप यहाँ पे। ओके फ्रेंड जैसे करते इस तरह से आपके सामने विंडो खुल किया जाता है फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन बीसी ईबीसी सेशन जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 और 24 के लिए, और वहीं पे फ्रेंड लॉगिन करने के लिए अगर जिसका यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया, तो जो कि 22-23 और 24 वाले स्टूडेंट जो कि यहाँ पे इजिली लॉगिन कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक फाइनलाइज नहीं किए, तो आपको लॉगिन करके यहीं से फाइनलाइज करना है। बीसी ईबीसी कैंडिडेट और बीसी ईबीसी कैंडिडेट जितने भी फ्रेंड न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो सिंपली फ्रेंड इस पे क्लिक कर देंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड। सिंपली आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। और चैनल पे फ्रेंड नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे जरूर, क्योंकि मैं अपने चैनल पे हर दिन एजुकेशनल से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करता रहता हूं फ्रेंड। और यहीं पे फ्रेंड देख सकते हैं टोटल 5 स्टेप में फ्रेंड आपका फॉर्म कंप्लीट होता है। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन फ्रेंड, आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद वेट करना होता है यूजर आईडी पासवर्ड का। बट फ्रेंड जो कि अभी अभी जो फ्रेंड नया सेशन चालू किया गया था, इसमें आपको जो कि लॉग इन रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही आपको यूजर आईडी पासवर्ड देखने के लिए मिल जाता है। जैसा कि एससी एसटी वाले स्टूडेंट का जब मैंने फॉर्म फिल करके आपको वीडियो दिखाया था, 2 वीडियो मिल जाएगा आप देख सकते हैं, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन जैसे करते हैं आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है फ्रेंड। आप सिंपली वहां से लॉग इन करके भी अगर आपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फीस रिसीव बनवा लिया, तो आप सिंपली जो कि फिर आप कुछ दिन के बाद 2 से 3 दिन के अंदर में ही फाइनलाइज आप कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए फ्रेंड क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी, तो आपको आधार कार्ड आपको साथ में चाहिए फ्रेंड, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, निवास चाहिए फ्रेंड, आय प्रमाण पत्र फ्रेंड आपका 2023 का ही होना चाहिए, देख सकते हो फ्रेंड, अनुरूप से जो कि वर्तमान तिथि मान्य, तथा माता पिता अथवा स्वयं मतलब कि खुद से बनाया हुआ हो या तो माता पिता के अधीन हो, उस केस में है फ्रेंड, तो आप जो है कि यहाँ पे इजिली अप्लाई कर सकते हैं। 2023 का ही फ्रेंड जो कि आपका आय प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी फ्रेंड, अगर है तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा फ्रेंड, नहीं तो मैं फ्रेंड रिकमेंड करूंगा, अगर नहीं है तो फ्रेंड आप बनवा लें, क्योंकि फ्रेंड अभी आपको जो कि समथिंग अभी सितंबर 30 तक आपका डेट दिया गया है, तो आपको जो इजीली 4 से 5 दिन के अंदर में आप नया आय प्रमाण पत्र बना लेंगे। और बैंक खाता फ्रेंड वो भी आपका खुद का ही होना चाहिए, और सीडिंग आपका जो है कि बैंक सीडिंग आपका उसमें लिंक होना चाहिए फ्रेंड। सिंपली नीचे आएंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन दे देंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे फ्रेंड क्लिक करेंगे, ओके करेंगे फ्रेंड। ओके फ्रेंड आप जैसे करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट में फ्रेंड आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नाम देख सकते हैं, ईबीसी बीसी वाले सेशन का है, सभी में फ्रेंड सेम है, एसएसटी वालों का भी और ईबीसी वालों का भी सेम कॉलम है, सेम चीज आपको फिल करना होता है। कैंडिडेट का यहाँ पे नाम फिल करेंगे, उसका फादर्स का नाम फिल करेंगे, मदर्स का नाम है फ्रेंड जो भी है वो अच्छी तरह से मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद जेंडर बताएंगे फ्रेंड मेल है फीमेल है जो भी है वो बताएंगे, उसके बाद यहाँ से मैरिड स्टेटस फ्रेंड आपको बताना होता है, उसमें फ्रेंड आपको सिंपली नो ही करके रखना है, देख सकते हैं सर्च लेता है फ्रेंड। यहाँ पे आपको जो है कि अनमैरिड ही सिलेक्ट करना है, इसमें भी फ्रेंड आपका सर्च लेगा, उसके बाद कैटेगरी
भी देख सकते हैं फ्रेंड। आपको जो कैटेगरी में फ्रेंड जो कि एससी एसटी वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ एससी एसटी देखने के लिए मिलेगा, और बीसी वालों में देख सकते हैं आपको ओनली फॉर बीसी ईबीसी दो ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो मतलब दोनों का लिंक फ्रेंड अलग अलग है, तो ये चीज को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रख के अप्लाई करना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बताएंगे आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ आता है, उसके बाद फ्रेंड आपका स्टेट क्या है। फ्रेंड आपको यहाँ पे ओनली एक ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि फ्रेंड अगर आप बिहार के स्टूडेंट है तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, नहीं तो फ्रेंड आप नहीं फिल कर पाएंगे। आपका जो कि आप बिहार के निवासी होना चाहिए और बिहार का ही किसी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होना चाहिए, तब जाकर के जो कि आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, नहीं तो फ्रेंड नहीं मिलेगा। फ्रेंड ये चीज आप अच्छे तरह से नोट कर लें, आप बिहार के निवासी हैं उसके बाद बिहार का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बिहार के ही आपका कोई जो कि स्कूल कॉलेज होना चाहिए एडमिशन, तब जाकर के आप भर सकते हैं। स्टेट बताने के बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना होता है फ्रेंड, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट बताएंगे किस स्कूल में किस कॉलेज में फ्रेंड आपका जो कि एडमिशन है, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से सर्च करेंगे तो फ्रेंड आपको काफी सारे अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपको सारा कॉलेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको यहाँ से अपना कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे, गेट ओटीपी ईमेल करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ईमेल पे ओटीपी जाएगा फ्रेंड, तो ईमेल ओटीपी यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेंगे, सेम आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर को यहाँ पे फ्रेंड फिल करना होता है। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे जो कि डेट ऑफ बर्थ जो है फ्रेंड आपका आधार में, मतलब सिर्फ आपको यहाँ पे ईयर्स बताना है आधार के अकॉर्डिंग जो ईयर्स है आपका वो यहाँ पे फिल करेंगे, और आधार कार्ड में जो आपका नाम है वो आप यहाँ पे पूरा फिल करेंगे। सिंपली वेरीफाई आधार पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल के नेक्स्ट वाले ऑप्शन में फ्रेंड क्लिक करना है। इस तरह से फ्रेंड आपको सारा डिटेल्स को फ्रेंड फिल करना है, देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड मोबाइल नंबर आपको ईमेल आईडी सारा वेरीफाई दिखा देता है फ्रेंड, देख सकते हैं आप यहाँ पे। इस तरह से फ्रेंड आधार वेरीफाई दिखाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कैप्चा डाल के फ्रेंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देख सकते हैं मोबाइल नंबर आधार नंबर सब चीज आपको यहाँ पे वेरीफाई दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली तब नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट पे फ्रेंड जैसे क्लिक करते हैं अगले स्टेप में फ्रेंड आपको यहाँ से बैंक डिटेल्स फ्रेंड बताना है, आईएफएससी नंबर बताना है फ्रेंड, बैंक नेम आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे फ्रेंड टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म फ्रेंड करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे फ्रेंड सिंपली आपको क्लिक करना है। बैंक डिटेल्स फ्रेंड फिल करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करते फ्रेंड देख सकते हैं अगले स्टेप में फ्रेंड आपसे यहाँ पे जो कि आवासीय प्रमाण पत्र मांगा जाता है, उसके बाद आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण सभी को फ्रेंड यहाँ पे अच्छी तरह से अपलोड करना है। यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपने इशू बाय कहाँ से फ्रेंड बनवाया, तो आरओ आता है सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेल्फ मतलब खुद से बनवाया तो सिंपली यहाँ पे सेल्फ ही रहेगा। उसके बाद फ्रेंड देख सकते हैं आपका बीआरसी ये ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है, आपको सिर्फ यहाँ से साल बताना होता है किस साल आपने बनवाया है। तो आपका जैसे देख सकते हैं आपको आवासीय के लिए यहाँ पे एक 20 से लेकर के 23 का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास फ्रेंड करेंट है जैसा मैंने शुरू में भी बताया आपके पास फ्रेंड जो कि आपके आय निवास आपका 2023 का ही होना चाहिए, आय मिनिमम फ्रेंड आपका 23 का होना चाहिए तभी जाकर के आपको फिल करना है। फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज आपको यहाँ पे बता देना है, इशू डेट कब आपने बनवाया था, आपका टोटल जो लास्ट का नंबर होता है फ्रेंड जो बीआरसी उसके बाद आपका ईयर्स रहता है उसके बाद नंबर रहता है स्लैश करके वो नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद कब किस डेट में बना था वो डेट यहाँ पे इस तरह से फिल करना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आय प्रमाण पत्र का भी सेम वैसे सिलेक्ट करना है, सेम तरीके से बताना है फादर्स मदर्स का या फिर सेल्फ है तो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये सिलेक्ट होता है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ से सेशन देख सकते हैं फ्रेंड आपको 22 और 23 ही देखने के लिए मिलता है, तो मैं फ्रेंड रिकमेंड करूं आप नया बनवा ले तभी जाकर के आप फिल करेंगे, 23 वाला ही यहाँ पे देंगे फ्रेंड ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से अपना डेट बताएंगे किस डेट में आपका जो कि बना था वो यहाँ से डेट बता देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से जाति प्रमाण पत्र का भी सेम उसी तरह से बताना होता है, यहाँ से देख सकते हैं अपना सेशन बताएंगे किस ईयर्स का है पुराना है, उसके बाद यहाँ से नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड जो है कि आप अपना यहाँ से फ्रेंड अपना डेट मंथ ईयर्स बता देंगे किस साल में आपका इशू हुआ है, देख सकते हैं कास्ट इशू डेट बताना है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे इसमें फ्रेंड आपको इनकम बताना है कि आपका जो है कि सालाना इनकम क्या था, तो वो आप यहाँ पे इस तरह से फिल कर देंगे। सारा चीज को फ्रेंड इसको अच्छी तरह से फिल करेंगे, मिला लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रेंड आपको। रजिस्ट्रेशन पे फ्रेंड जैसे क्लिक करते देख सकते हैं आपके सामने पूरा एप्लीकेशन फ्रेंड आ जाता है, यहाँ से आपको सभी चीज को अच्छी तरह से मिला लेना है, देख सकते हैं आपका नाम डिटेल्स जो भी डिटेल्स फ्रेंड आपने फिल किया है सभी चीज आ जाता है, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे फ्रेंड। मिलाने के बाद फ्रेंड नीचे आएंगे, यहाँ से फ्रेंड आपको सारा चीज सही है तो फ्रेंड सिंपली नेक्स्ट करेंगे, नहीं तो फ्रेंड अगर कहीं मिस्टेक लगता है तो बैक जाके सुधार कर लेंगे, नहीं तो सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे फ्रेंड क्लिक करेंगे आप। नेक्स्ट पे फ्रेंड जैसे क्लिक करते फ्रेंड आपको उसके बाद यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करना होता है पीडीएफ फाइल में, फ्रेंड देख सकते हैं 150 KB के बीच में फ्रेंड आपका पीडीएफ फाइल रखना है इसमें, रेसिडेंटल जो आपने जो डिटेल्स फ्रेंड पिछले आपने बताया था उसी को सभी चीज को यहाँ पे जाति आय निवास को फ्रेंड अपलोड करना है, यहाँ पे रेसिडेंटल इनकम उसके बाद यहाँ पे कास्ट देख सकते हैं फ्रेंड, सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और आपके यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, 150 KB के बीच में फ्रेंड फाइल बनाएंगे, पीडीएफ फाइल इजीली अपलोड हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से आप। यहीं पे फ्रेंड देख सकते हैं जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड देख सकते हैं आपका जो फाइनली रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाता है फ्रेंड, देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन अब कंप्लीट हो गया, बट फ्रेंड अभी आपका जो कि आवेदन पूरा नहीं माना जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं आप इस लाइन को अगर पढ़ेंगे तो मतलब फ्रेंड कि आपको पंजीकरण के लिए ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसके बाद ही आपको फिर फाइनलाइज करना होता है, तब जाकर के आपका फाइनल सबमिट होगा, उसके बाद ही आपको जो कि स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा फ्रेंड। ये कंप्लीट प्रोसेस फ्रेंड मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, किस तरह से फ्रेंड फॉर्म को फिल करना है।
अच्छे तरह से देख सकते हैं फ्रेंड। आप यहाँ पे सारा चीज को फ्रेंड अच्छे तरह से इसको देख लेंगे, मिला लेंगे, यहाँ पे पढ़ लेंगे सारा चीज को। इसमें सारा आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। यहीं पे फ्रेंड स्क्रॉल करके इसको नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आपको डेट देखने के लिए मिल जाता है फ्रेंड। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। सिंपली इसको प्रिंट करके फ्रेंड आपको रख लेना है रिसीविंग के तौर पर। बाकी फ्रेंड जैसे यूजर आईडी पासवर्ड आता है तो फिर मैं उसके बाद वाले वीडियो को जल्द ही लेके आ जाऊंगा। आई होप कि फ्रेंड वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म को जो कि अच्छी तरह से फिल करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सारा प्रोसेस मैंने समझा दिया फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो लोग भी अच्छी तरह से अपना फॉर्म को फिल कर पाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। मिलते फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड।